अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में आपको मार्च 2022 का कैलेंडर है आपको यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। और इस मंथ में यहाँ पे इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पे दो मंथ यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट मंथ जो है रजब का, सेकंड मंथ जो है शाबान का। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड तक यहाँ पे ज़रूर देखिए, आपको इंशाल्लाह पूरी डिटेल में आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ पे एंड तक यहाँ पे ज़रूर देखिए, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 मार्च 2022 ट्यूजडे का यहाँ पे दिन है, और उस दिन यहाँ पे रजब की जो है 27 तारीख यहाँ पे है, रजब महीने की यहाँ पे 27 तारीख यहाँ पे है। पहली तारीख को 1 मार्च 2022 ट्यूजडे का यहाँ पे दिन रहेगा, और उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 27, 28, 29, 30 यहाँ पे चलते रहेगा यहाँ पे। और इंशाल्लाह शाबान की जो पहली तारीख जो रहेगी वो 5 तारीख को रहेगी। लेकिन यहाँ पे रजब के महीने में यहाँ पे कभी कभी 29वां चांद या 30वां चांद भी होता है, लेकिन हम मान के चलते हैं यहाँ पे रजब के महीने में यहाँ पे 30वां चांद हो गया। तो इंशाल्लाह जो पहली तारीख जो रहेगी फ्राइडे के दिन मगरिब के नमाज के बाद से पहली तारीख स्टार्ट होगी शाबान महीने की। और अगर हम दिन के हिसाब से हम चेक करते हैं शाबान महीने की जो पहली तारीख जो रहेगी वो 5 तारीख को यहाँ पे रहेगी। लेकिन अगर 29वां चांद होता है रजब का, तो इंशाल्लाह जो पहली तारीख जो रहेगी शाबान महीने की वो थर्सडे को मगरिब के नमाज के बाद में इंशाल्लाह पहली तारीख स्टार्ट होगी शाबान महीने की। लेकिन हम इस कैलेंडर के हिसाब से मान के चलते हैं इंशाल्लाह 30वां चांद अगर होता है रजब का, तो इंशाल्लाह मगरिब के नमाज के बाद में, मतलब जुम्मा के मगरिब के नमाज के बाद में इंशाल्लाह पहली तारीख स्टार्ट होगी शाबान महीने की। तो जैसे कि यहाँ पे शाबान और रजब का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कौन सी तारीख को क्या है, कैसा है, किस तरफ से। तो अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट है, कोई सवाल पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन ये करने वाला हूँ कि इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से और इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से कौन से फेस्टिवल, कौन से तारीख को यहाँ पे आ रहे हैं, कौन से दिन को यहाँ पे आ रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ पे एंड तक यहाँ पे ज़रूर देखिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से पहली तारीख यहाँ पे जो है 1 मार्च 2022 यहाँ पे एक महाशिवरात्रि का एक फेस्टिवल है। सेकंड यहाँ पे जो है इंटरनेशनल वुमेन डे यहाँ पे 8 तारीख को, वो भी ट्यूजडे का दिन यहाँ पे आ रहा है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो है पारसी न्यू ईयर यहाँ पे 20 को, वो भी संडे का यहाँ पे दिन आ रहा है। और यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जो है 21 यहाँ पे जो है मंडे का यहाँ पे दिन आ रहा है, और उस दिन यहाँ पे शाबान की जो है 17 तारीख है, और उस दिन यहाँ पे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पे शिव जयंती यहाँ पे मनाया जाएगा। अभी आपको मैं बता दूँ इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से कौन सी तारीख को क्या है, कौन से फेस्टिवल यहाँ पे आ रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये 27, यहाँ पे 27 को मतलब यहाँ पे शबे मेराज का यहाँ पे है। तो 27 को यहाँ पे रोज़े नफिल जो रोज़े रहते हैं वो इंशाल्लाह आप रख सकते हैं। यहाँ पे 27 को एक दिन का यहाँ पे रोज़ा रहता है यहाँ पे 27 रजब के यहाँ पे, जिसको शबे मिराज बोलते हैं। फिर नेक्स्ट अभी हम देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे जो रोज़े जो रहते हैं वो शाबान के रहते हैं। तो नफिल जो रोज़े है शाबान के वो तो बहुत है, मतलब कोई कोई तो मतलब 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक यहाँ पे रोज़े रहता है, कुछ कुछ 13, 14, 15 जैसे आप मानते हैं, किस हिसाब से आप मानते हो उसके हिसाब से आप रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 15 शाबान मतलब शबे बरात, शबे बरात यहाँ पे 19 तारीख का, मतलब इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पे 19 मार्च 2022 सैटरडे का दिन रहेगा यहाँ पे इंशाल्लाह, और उस दिन यहाँ पे शाबान की पहली तारीख रहेगी। लेकिन ये डिपेंड करता है यहाँ पे रजब का कौन सी तारीख को यहाँ पे चांद होता है, 29वां चांद होता है, 30वां चांद होता है। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को यहाँ पे एंड तक यहाँ पे ज़रूर देखिए, और इसके अलावा इंशाल्लाह कोई डाउट है, कुछ सवाल पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आपको मुझे आपको मालूम पड़ेगा क्या शाबान कौन सी तारीख को चांद हुआ। मैं अपने मेरे जो सब्सक्राइबर है उनको मालूम पड़ जाता है कि मैं अपलोड मतलब वहाँ पर लिखता हूँ, अपलोड करता हूँ मैं अपनी वीडियो में क्या इस महीने में 29वां चांद हुआ या इस महीने में 30वां चांद हुआ। तो जो भी अपडेट्स जो रहेगी मैं अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड्स करता हूँ, तो आप वहाँ पर जाके इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो ये अभी हम मान के चलते हैं, फिलहाल हम मान के चलते हैं कि रजब की 30वां चांद इंशाल्लाह जो रहेगा फ्राइडे का दिन रहेगा, और पहली तारीख जो रहेगी शाबान महीने की वो इंशाल्लाह फ्राइडे के दिन से रहेगी, मतलब फोर्थ मार्च 2022 फ्राइडे की नमाज मगरिब के नमाज के बाद में इंशाल्लाह पहली तारीख होगी शाबान महीने की पहली तारीख। और उसके अकॉर्डिंग हम मान के चलते हैं कि शबे बारात कब होगा, तो शबे बारात इंशाल्लाह जो रहेगा वो 19 को रहेगा, 19 मार्च 2022
सैटरडे का दिन यहाँ पे रहेगा इंशाल्लाह। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपको इसके अलावा कोई डाउट है, कुछ सवाल पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह उसका आंसर मिल जाएगा बहुत ही जल्दी। तो इस वीडियो को यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।